नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और देखने वाले हैं कि किस तरह आप अपने इस प्लांट को रिपॉट कर सकते हैं, रूट प्रून कर सकते हैं। और आप पत्ते देख के तो समझ ही गए होंगे ये है एक चंपा का प्लांट। और एक वीडियो आप देख रहे हैं लेफ्ट स्क्रीन पे, ये है 3 महीने पहले की और एक है प्रेजेंट डे की। और देखिए चंपा का मेरा प्लांट है कितना लश ग्रीन है, और रिपॉटिंग के बाद देखिए कितना हैप्पी है ये। और मैंने फरवरी मंथ में इसको रिपॉट किया था और रूट प्रून करके सेम पॉट में लगाया था, जो कि लगा हुआ है ये मेरा प्लांट 10 इंची के गमले में सीमेंट के एक पॉट में लगा हुआ है। और देखिए इस पर बर्ड्स भी आ गए हैं, मई का मंथ चल रहा है। और ये मेरा 7 फीट लंबा प्लांट है चंपा का, और आप देखेंगे कितना हैप्पीली ग्रो कर रहा है, बहुत हैप्पी है। कौन कौन सी मैंने फर्टिलाइजर्स यूज़ करी थी इसकी रिपॉटिंग करने के टाइम जब मैंने इसको रूट प्रूनिंग करी और कैसे किया, ये सब मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये देखिए मई 5 मई है और ये बरसातें ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी आ चुकी है। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ और ऐसे लग रहा है मानसून बहुत जल्दी आ चुका है दिल्ली के अंदर। देखिए बर्ड्स भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, और आज है आपका 19 मई और देखिए फूल खिल चुके हैं। और चलते हम 3 महीने पहले हमने कैसे देखिए इस प्लांट को रूट प्रून किया, रिपॉट किया सेम पॉट के अंदर जो कि सीमेंट का एक पॉट है 10 इंची का, और क्या क्या मैंने फर्टिलाइजर्स दी और क्या क्या फर्टिलाइजर्स मैं इसको देता हूँ। और इस समर में जब भी समर मंथ आता है तो बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। और देखिए सब मैंने रूट ऊपर से इसकी काटी थी, और जो और ये देखिए 10 इंची के गमले में लगा हुआ है। और देखिए कितना बहुत बड़ा ये प्लांट बन चुका है मेरा, बहुत बड़ा एक 7 फुट का प्लांट बन चुका है। और विंटर मंथ में क्या होता है कि अपना विंटर में डोर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। डोर्मेंसी का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट जो कि अपनी सारी पत्तियां झाड़ देता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ये इसका सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है प्लांट की। और देखिए विंटर में भी मेरे जो चंपा का प्लांट है इस पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी लीव्स है, और आराम से इजीली ये ग्रो हो रहा है। ये सारा कमाल है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन का। और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी कि कौन कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, बहुत हैप्पीली ये ग्रो करेगा। और आपको क्या करना है, हर 15 दिन में फरवरी से फरवरी में इसकी आप इसको फीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और विंटर में बिल्कुल भी फीड ना करें आप, क्योंकि ये डोमेंसी पीरियड में होता है और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती प्लांट में। तो आप क्या कीजिए, हर 15 दिन के अंदर इसको आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, और 15 दिन में मैं इसको बनाना पिल लिक्विड फर्टिलाइज़र देता था, और आपको 10 दिन बाद में इसको कभी कभी टी लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो देता था। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं तो वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, उसका जाके आप ज़रूर चेक कीजिए, बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। और ये देखिए हमारा ये प्लांट उसमें से निकल चुका है, बहुत आराम से तो नहीं निकला बहुत, क्योंकि रूट बाउंड हो चुका था और गमले की दीवारों के साथ इसकी जो रूट्स है बिल्कुल बहुत चिपकी हुई थी, बहुत ज़्यादा चिपकी हुई थी, बहुत थोड़ा हिलाना पड़ा इसको। और ये सब रूट्स हमने ऊपर से इसकी प्रून की थी, बहुत मोटी मोटी रूट्स थी। और हमेशा आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करेंगे तो आप उसका खुद ही आप देखेंगे कि इतना बहुत रिज़ल्ट जो होता है बहुत अनएक्सपेक्टेबल रिज़ल्ट होता है। और मगर इसमें होता क्या है, थोड़ा ऑर्गेनिक में हमेशा आपको रिज़ल्ट थोड़ा सा स्लो मिलेगा, बट जो मिलेगा बहुत ही सुंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा ऑर्गेनिक ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और क्योंकि मैं भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ तो ऑर्गेनिकली आपसे शेयर करूँ। देखिए सब रूट्स हैं जो मैंने प्रून करी थी ऊपर से साइड से, सब मैंने इकट्ठी कर ली है, और देखिए कितनी मोटी मोटी रूट्स है। और ये गमले का नीचे वाला हिस्सा है जो कि ज़मीन पे होता है, और देखिए ड्रेनेज होल के थ्रू सारी जड़ें बाहर आ चुकी थी। अब सोचिए कि कितना हेल्दीली इसकी ये ग्रो हो रहा था इस पॉट के अंदर, एक छोटे से पॉट में इतना बड़ा प्लांट कितने हैप्पीली इंजॉय कर रहा था, आराम से इसमें सर्वाइव कर रहा था, कोई इसे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट मुझे लगा अब मुझे इसकी थोड़ी सी इसका स्पेस देना पड़ेगा, और मैंने ड्रेनेज होल के ऊपर ही दिए के टुकड़े हैं वो डाल दिए ताकि नीचे वाटर भी ज़्यादा लॉगिंग ना हो और थोड़ा सा एरेशन भी इसके अंदर रहे। और ये यहाँ पे मैंने मिट्टी ले ली है, थोड़ी सी मिट्टी मेरी रेतीली है, तो अगर आपकी रेतीली मिट्टी नहीं है तो 10% इसमें रेता भी मिला सकते हैं, बाकी 30% मैंने वर्मी कंपोज लिया है, 10% कोकोपिट, 5% ये आपका नीम खली, और 5% बोन मील। अगर आपके पास बोन मील, कोकोपिट और नीम खली नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कोकोपिट और बोन मील और ये नीम खली मिला रहा हूँ। मैंने पहले 5 साल पहले एक ओनली वर्मी कंपोज और मिट्टी के अंदर मिला के अपने प्लांट को लगाया था, तो मैं देखना चाहता हूँ इन तीनों को मिलाने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है।
और फ्यूचर में मैं आपके साथ दोबारा एक चंपा की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या रिजल्ट आया और कैसा, मतलब क्या फ़र्क पड़ा अगर हम बॉर्न मील और नीम खली मिलाते हैं, क्योंकि मेरे पास ये पहले 5 साल पहले चीज़ें नहीं थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी और आप लोगों के साथ शेयर करा दी कि कितनी सारी रूट्स इसमें से मैंने निकाली। और ये नर्सरी बैग में क्यों लगा था, नर्सरी बैग मैंने इसलिए लगा रखा था, मैं देखना चाहता था कि इसकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता अगर मैं नर्सरी बैग के साथ अपने चंपा के प्लांट को लगाता हूँ, तो कोई मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा, बहुत हैप्पीली ग्रो हुआ है। और मैंने 60% नीचे मिट्टी भर दी है गमले के अंदर और इसको रख दिया है, और हम ऊपर 1 से 1.5 इंची की स्पेस छोड़ेंगे पानी देने के लिए। और याद रखिए, कभी भी आप हमेशा 1-1.5 इंची का ही स्पेस छोड़ें, बहुत ज़्यादा गहरा स्पेस ना दें, क्योंकि क्या होगा कि प्लांट को मान लीजिए कम पानी चाहिए और आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बरसातों के दिनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पानी भरने से रूट रॉट भी हो सकता है। और देखिए, आप आराम से हमने अपने प्लांट को लगा दिया है और आपने देखा ही, स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया वीडियो में आज प्रेजेंट डे के बारे में, कितनी हैप्पीली ये ग्रो कर रहा था, लश ग्रीन इसकी पत्तियाँ थी, फ्लावरिंग भी करने लगा ये। और ये मेरे पास 1.5 से 2 लीटर की एक पानी की बाल्टी है, और आइए हम अपने चंपा को प्लांट में पानी दे देते हैं। और मैं अभी पानी देने के बाद इसे 1-2 दिन पानी नहीं दूंगा और इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर दूंगा, जब हल्का हल्का सा मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाएगी फिर उसके बाद में इसको दोबारा पानी दूंगा। और आप भी हैं एक चंपा प्लांट लवर तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जो आसपास आपके पास चंपा लवर्स हैं जहाँ पर चंपा के प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर आप उनको जानते हैं तो वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।